नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कार लेने की और कंफ्यूजन में है कि कार कौन सी लेनी है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक, तो आपकी आज इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कार लेने की और पेट्रोल और डीजल के कीमतों के भाव जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो शायद ही आप सोचेंगे कि किसी पेट्रोल या डीजल कार में जाना, तो आपके पास एक ऑप्शन और बचता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। जैसा अभी जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तो आने वाला जो मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक या सीएनजी कार्स का ही होने वाला है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ टॉप 5 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो कि अभी आने वाले हैं। अभी मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ चुके हैं, टाटा की 2 गाड़ियां आ चुकी है, जिसमें से एक नेक्सा है और एक टिगर ईवी है। ये दोनों गाड़ियां टाटा ने लॉन्च कर दी है। दूसरा एमजी की एसजेड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ चुकी है, और हुंडई, ये कुछ कंपनियां हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हिंदुस्तानी मार्केट में निकाल चुकी है। इसके अलावा मैं आपको आज बताऊंगा 5 टॉप अपकमिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, और वो भी उन कंपनियों के द्वारा जो भारत के अंदर बहुत ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं और काफी विश्वास करते हैं लोग उनकी गाड़ियां, जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं वो भी काफी लोग लेते हैं उनकी। तो आई होप कि लोगों को वो गाड़ियां भी पसंद आने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने वाला है टाटा का, जिसकी ऑलरेडी 2 गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट में आ चुकी है, जिसमें से नेक्सा और टिगर जैसा मैंने आपको बताया। तीसरी गाड़ी जो टाटा लॉन्च करने वाले हैं वो है इनकी टाटा अल्ट्रोज। दोस्तों, टाटा अल्ट्रोज अभी पेट्रोल और डीजल वर्जन में आपको मिल जाएंगी, लेकिन अब इसका एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी आने वाला है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या इसकी प्राइस रेंज होगी, कितनी इसकी बैटरी चलेगी। तो आइए बताता हूँ मैं आपको टाटा अल्ट्रोज इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। टाटा अल्ट्रोज ईवी, इसके अंदर आपको 30.2 किलोवाट की बैटरी मिलती है और परमानेंट मैग्नेट वाली डीसी मोटर आपको इसके अंदर मिलती है। दोस्तों, ये गाड़ी एक चार्ज में 150 से 170 किलोमीटर की रेंज कवर करेगी, और इसकी प्राइस अभी तक खुलासा नहीं हुई है कि ये कितनी प्राइस में आपको मिलेगी, तो इसकी प्राइस आने तक हमको वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, जो दूसरी गाड़ी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, वो इंडिया के सबसे टॉप ट्रस्टेड ब्रांड में से एक है, महिंद्रा KUV 100। आपने ये गाड़ी अब तक पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में देखी है, और काफी बढ़िया माइलेज भी है इसका पेट्रोल और डीजल वेरिएंट के अंदर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो कि EKUV 100 के नाम से लॉन्च होने वाला है, इस गाड़ी के अंदर आपको 15.9 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है, जो कि सिंगल चार्ज के अंदर 150 से 200 किलोमीटर की रेंज कवर करती है। इसमें आपको एक्स शोरूम प्राइस जो है वो अराउंड 9 लाख होने वाली है इंडियन रुपीज में, और इसके अलावा जो भी चार्जेस हैं वो भी जब आप गाड़ी खरीदेंगे तभी आपको पता लगेगा। तो 9 लाख रुपए के अंदर आपको ये बेस्ट गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मिल जाएगा। हमारी लिस्ट में जो तीसरी कार है अपकमिंग ईवी, वो है टेस्ला का मॉडल 3। ये गाड़ी सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर चलेगी और 100 की स्पीड पकड़ने में इसको सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे, और इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 55 लाख रुपए अब तक आंकी गई है। हो सकता है इससे महंगी भी हो, पर 55 लाख रुपए अभी तक सोर्सेस के हिसाब से पता चला है इस गाड़ी की कीमत। चौथा हमारी लिस्ट में जो शामिल है वो है इंडिया की टॉप कार सेलिंग कंपनी, जो है मारुति। मारुति ने अब तक अपना कोई ईवी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, इस दौड़ में वो हुंडई और एमजी टाटा से भी पीछे हैं। तो अभी इनका हाल ही में प्लान है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कार पर ये काम करें और इलेक्ट्रॉनिक कार मार्केट में उतारें। तो इनका आने वाला प्रोजेक्ट विटारा ब्रेज़ा के अंदर ईवी मॉडल हो सकता है, या फिर छोटी कार्स में आप देखें तो स्विफ्ट के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है इनकी, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हो सकता है। और इसकी अभी तक कोई गाड़ी आई नहीं है, तो कीमतों का भी कोई पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मारुति की भी इलेक्ट्रॉनिक कार आपको देखने को मिलेगी।
पांचवी टॉप ईवी कार जो अपकमिंग ईवी कार है वो है हुंडई। हुंडई ऑलरेडी अपनी एक कार इंट्रोड्यूस करा चुका है, हुंडई कोना। आने वाले टाइम में हुंडई अपनी क्रेटा के ऊपर और छोटी कार्स में आप देखें तो वरना i20 के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन निकालेगा, जो गाड़ी सिंगल चार्ज में 200 से 250 किलोमीटर की रेंज का कवर करेगी। तो दोस्तों ये थी इंडिया के अंदर अपकमिंग टॉप 5 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।